खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहराज सिंधु की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीरे आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर लाहौर के खसूसी हदायत पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्क ने डी एच क्यू अस्पताल का अचानक दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों को मुहैया की जाने वाली तिब्बी सहूलियात, डॉक्टर्स और दीगर अमला की हाजिरी और अद्वियात के स्टॉक का तफसीली जायजा लेते हुए मरीजों और इनके लायकीन से अस्पताल में मुहैया की जाने वाली सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल के अमला को मरीजों और इनके लायकीन को बर वक्त बेहतरीन और मुफ्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हदायत जारी की। असिस्टेंट कमिश्नर बिलावल अली, एम एस डी एच के अस्पताल, दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्क ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीरे आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक अवामुल्लास को बेहतरीन बर वक्त और मुफ्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। अवाम को सेहत की सहूलियात की फराहमी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।